मल जन्म जन्म दी कटिए तो सुल्तान कहाँ हो मियाँ तेरी कवन बढ़ाई जो तू दही सो कहाँ सुअमी मैं मूर्ख कहन ना जाई जो तू दी सो कहाँ सुअमी मैं मूर्ख कहन ना सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ सोमवार सस अमृत चरै चाकत बेक सगल बिख हरै सोमवार सस अमृत चरै चाखत बेग सगल बिख हर बाणी रोकया रहै द्वार तो मन मत वारो पीवन हार बाणी रोकया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोम का अर्थ होंगे चंद्रमा, वार का अर्थ होंगे दिन, सोमवार का मतलब चंद्रमा का दिन। पहले विचार आप कर लीए समय की वरतों मनुख की झोली में ताकत पाती है, वरतों योग हो योग फल मिल सकता है, वरतों अयोग हो अयोग फल प्राप्त होगा। कुछ लोगों ने ऐसी विचार बना दी, खास करके सनातनी धर्म ने, भाई जे मनुख सोमवार वाले दिन चंद्रमा की पूजा करे तो उदे अंदर एक ठंडक अमृत वरसेगा, ठंड वरतेगी। तो उन्होंने ये विचार को पक्या करने वास्ते कुछ एक कथा कहानियों भी नाल कर लेंगे ताकि मनुख के विश्वास में यह गल चंगी तरह वसा दिखती जाए। यह सनातनी धर्म की उन्हें विचार बना दिखती भी जोड़ा चंद्रमा है उस अत्री ऋषि के घर पैदा होया और अनसुईया ना की बीबी सी जिहदी कुखों यह पैदा होया चंद्रमा। तुसी आप सोच सकते हो अगे जाके आप गल करा। और इन्हें दक्ष ऋषि होया एक सताई धियां दे नाल इन्हें विआह करवाया सी। ये कथा कहानियां सनातन धर्म ने घड़ लईआं ताकि मनुख के विश्वास विच ये गल बिठाई जा सके। ते सताई उहदीआं धियां नूं विआहुण करके सताई नक्षत्रां दे उत्ते इहदी बड़ी पकड़ है, चंद्रमा की पूजा करने वास्ते लोगों को ला दिता। दूजी एक विचार होर बना दी भी जदों कदे देवतिया के दैवता ने समुद्र डिगया से तो उदों 14 रतन निकले से,
14 रत्नों विचों एक रत्न चंद्रमा है। यह चंद्रमा मनुख के जीवन में ठंड बरपाता है। ये भी एक कहानी, ये दोए लपनियां हो तो प्रोफेसर प्यारा सिंह पद्म उदी लिखी किताब है गुरु ग्रंथ संकेत कोश, उदे विच सारी विचार है। हुण आपां अपनी गल वल आईए। पहली गल करां भी अज विज्ञान दा युग है। विज्ञान ने मनुख नूं हनेरे राहां विचों भटकदे नूं ज्ञान दा पल्ला पकड़ा के ते अज उस सोहणे ज्ञान के वेड़े विच रहिंदा है, जिथे दे जीवन विच भरम नहीं रहण दिता। विज्ञान ने बड़े ऐसे भरम तोड़े। विज्ञानियों के अनुसार चंद्रमा एक उपग्रह है, एक कोई देवता नहीं। विज्ञानियों के अनुसार एक करीब 24 लाख मील नेड़े तेड़े धरती तो दूरी के है और इसकी अपनी कोई चमक नहीं है। यह सिर्फ सूरज की रोशनी है जिसे पैंदी है तो उसके नाल चमकदा है। यही ही कारण है जिनी हिस्से च रोशनी पैंदी है उन्ना च चमकदा है। सानू यूं लगता है भई अज छोटा जिहा है, 14-15 दिन वधदा रहिंदा है फिर घटता रहिंदा है। असल में घटता वधदा नहीं है, वो रोशनी ही घटती वधदी ते सानू उन्ना च दिसदा है। ये विज्ञानिक पक्ष है। एक ही बस नहीं, उन्होंने अनुसार 27 दिन ये लाउंदा अपने वालों 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट ते 47 सैकंड लाउंदा है एक बारी ये चक्कर कट्टण वास्ते। ये भी घूम रहे हैं। ये इन्हां दे विचार से विज्ञानी सनातनी ने तुम पहले दस बैठा हुआ हूँ। आप गुरमत के वेड़े च सतगुरु ने कैसी कमाल की, हर गल तो एक वक्रा पक्ष तिने पक्षा च आप सामने रखा। नंबर एक, हजूर कह लगे मैं चंद्रमा की पूजा नहीं करता। क्यों सतगुरु? वो कहने मैं तो प्रतीत होता भी चंद्रमा भी किसी के पैर तोड़ रहे हैं। पैर में सूरज, पैर में चंद, को करोड़ी चलतना अंत। जिदे भय विच चंद्रमा तुर रहा है, जिदे भय विच समुची कायनात चलती है, जिहड़ा समुची कायनात नूं बनाउण वाला है, चलाउण वाला है, फिर मैं उहदे चरणां च क्यों ना तुरां? मैं उहदे चरणां च तुरां। दूजी गल, अज विज्ञानियों ने भी ये गल स्पष्ट कर दी भी किन्नियां ही गलैक्सीज ने, किन्ने ही चंद्रमा ने दुनिया च, किन्ने ही सूरज ने, किहड़े चंद्रमा की पूजा करा? ये भी आपां नूं जपजी साहिब दे विचों मिल जांदा है। केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश। कितने ही मंडल ने, कितने ही तारा विज्ञान ने, कितने ही सूरज ने, कितने ही चंद्रमा ने, मैं किहदी इबादत करा? मैं उहदी क्यों ना करा जिहड़ा इन्हां नूं साजण वाला है, जिहड़ा इन्हां नूं पढ़ाउण वाला है। अगली गल, साहब कहते ठंडक सजना चंद्रमा की पूजा करके नहीं मिलनी, तेन भुलेखा होगा। अमृत बाणी का वचन है, चंदन चंद ना सर्द रुत, मूल न मिट ही काम, शीतल थीवै नानका जपंदड़ो हरना। तेनों तो इन्ना भी नहीं पता भी मनुख नूं अग काली लगी हुई है। जिथे अग लगी है उत्थे शांति चाहिए। हजूर की बाणी का बड़ा प्यारा वचन है, कहिंदे इहदे अंदर 4 तरह की अग है, हंस हेट लोभ कोप, चारे नदियां अग। हंस का अर्थ हुंदा हिंसा करनी, निर्दयता रखनी, कठोरता रखनी जीवन में। यह एक अग है जिहदी अग में मनुख दिन रात सड़दा रहिंदा, क्योंकि निर्दयता है, किसी प्रति हमदर्दी कोई नहीं, किते ना किते तां कठोरता चलनी है, उहदे जीवन में शांति नहीं आउंदी। हेत का अर्थ हुंदा है मोह, मोह के अधीन भी मनुख अपने जीवन में कलपदा है। हंस हेत लोभ,
लोग जानते ही हो, मैं हर एक चीज न अपनी बना ला, दूजे खड़ोवे तो मैं ईरखा जगती है। कोप कोप का अर्थ होंगे क्रोध, क्रोध के स्पष्ट रूप च ही आ गया। सर कहिए चार ही नदियों संसार डुबदा जा रहा है। हंस केत लोभ कोप चारे नदियां अग, पवे तजे नानका तरिए करनी लग। भलिया इस अग विचों चंद्रमा नहीं बचा सकता। मैं तेन दसना चाहना है कि सानू अग चो बचा कौन है। कली यो ही अग नहीं, देखो कितने प्यारे बोल ने, जननी केरे उधर उदक में पिंड किया दस द्वारा, दे आहार अगन में रख है ऐसा खसम हमारा। आए मेरा खसम, मैं चंद्रमा कि खसम कह दी। बड़िया पिपरबाजी सोचा नकार के सतगुरु जी ने गुरमत को नखार के मनुख नूं इहदे लड़ जोड़िया। बहुत वड्डी गल है गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की मनुखता के उत्ते बड़ा वड्डा परोपकार है। अजोके समय च विज्ञानी वो चंद्रमा तक चले गए, उन्होंने चंद्रमा की मिट्टी पुट लिया है। चंद्रमा दोटो तुम देख सकते हो अज, पर हैरानी की गल है वो हजे भी देवता मनना। सतगुरु आखते ने कहने नहीं भलिया, जिड़ी दुनिया च तू रहना इस संसार के अंदर इनू अगन सागर कहेंगे। इस अगन सागर को चंद्रमा की पूजा पार नहीं करा सकती। इस अगन सागर में उही चढ़ता है जिहड़ा रब्बी गुणा नाल सांझ पाउंदा है। अमृत बाणी का वचन है, अगन सागर बूढ़त संसारा, नानक बाह पकड़ सतगुर निस्तारा। यह सागर सोई तरै जो हर गुण गाए, साध संगत कै संग बसै बट भागी पाए। किवें दुनिया में लुटता सी वो, सतगुरु ने कितने प्यारे बोल बख्शिश किए कहने ना भलिया। हाँ मैं तेन दिखाव जीवन के अंदर निरंकार की इबादत करिया, मालिक के चरणों में चुनिया, प्रभु का सिमरन सब ते उच्चा, सारे कर्मकांडा चो श्रोमणी है रब का नाम लेना। प्रभु का सिमरन सब ते उच्चा, प्रभु के सिमरन उदरे मूचा, प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभु के सिमरन सब कुछ सुझे। प्रभु दे सिमरन विच, प्रभु की याद विच सब कुछ मनुख नूं सुझदा है, उन्हूं पता लगता है। मैं किवें अपने जीवन विच बचना है, गुरु जिहड़ा है वो दसदा भी पुत जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार, जै तन बाणी विसर जाए जो पक्का रोगी बदलाए। तेरे जीवन में तपश किस गल की है, तपश तेरे जीवन में बेकारा की है। काया आरण मन में लोहा, पंच अगन तित लाग रही, कोयले पाप पड़े तिस उपर, मन जलिया सन्नी चिंत पई। कहने एक पट्ठी बनिया पिया तेरा जीवन, इनू पंज विकारां दी अग लगी पई है, तपाही रखते ने दिन रात, कदे शांति नहीं आउण दिंदे। जे शांति लैणी चाहुंदा है फिर उह केवल गुरु है। गुरु कोलों आके जात मिलदी शांत पाई, गुर सतगुर पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। गुरु कोल किन्नी शांति है, कहिंदे गुरु कोल इन्नी शांति है, गुरु दे कोई लत भी मारे वो तद भी नहीं कड़पता, गुरु के पुत कोई जहर दे वो तद भी नहीं कड़पता, गुरु के बराबर कोई लंगर बंद कर दे वो तद भी नहीं कड़पता, गुरु तत्तियां तवियां ते बिठा दे वो तद भी नहीं कड़पता। गुरु ते बहुत शांति रखा है। गुरु कोला मैं तेरी दसा, गुरु कोलों आतश दुनिया खुणक नाम खुदाया, सारी दुनिया अग है। गुरु ने देखिया ही सी ना, यो कुछ तो गुरु ने देखिया सी। पहला बाबे पाया बख्शदार, पिछों दे फिर काल कमाई, रेत अक आहार कर रोड़ा की गुर करी बछाई, भारी करी तपस्या बड़े भाग हर्ष्यों बड़े आई, बाबा पहिंजा सतखंड नौ निदनाम गरीबी पाई, बाबा देखे ध्यान धर जलती सब पृथ्वी जस आई। उन्होंने जल्दी नजर आई,
बाचो गुरु गुबार है करती सुनी लुकाई अग लाई पई सी घर घर दे विच हर घर दे विच इस्त्री पुरख है दाम हिट भावे आए कि ठाऊं जाई बखो बखरिया पंक्तियां ने इस्त्री पुरख के जीवन में सिर्फ पैसा सी पैसे की खातर इस्त्री कुछ करे पति कुछ करे कोई साध नहीं सी जीवन राजे पाप कमाम दे बखरिया बखरिया पंक्तियां मैं बेनती कर कई बार तुकबंदी रलती होंगी है तो यूं लगता जिवें कुरबान दियां पौड़ियां ने राजे पाप कमाम दे उल्टी बार खेत को खाई राजे शीं मुकदम कुत्ते अग लगी पई सी सारे पासे धर्मी लोगों के जीवन बर्बाद होए पे सन उन्होंने जीवन यो जहा अंतर अगन बाहर तन सुहा बाहरी तौर से सुहा बनी बैठा अंदर भुजिया पिया अग का तपया पे अंदर अग का गुरु ने ठंड बरताई उदा पिया कैसी ठंड बरताई दुनिया के अंदर जिथे जिथे भी उन्हें अग लगी देखी नाम दे छिट्टे मार के तपदे हिरदिया ठार दिता ठंड बरदा दी तो गुरदेव सच्चे पातशाह ने बहुत वड्डी रहमत की साढ़े ते सानू सोमवार चंद्रमा की पूजा की बजाए सानू आखिया बंदिया कि सोमवार रब की याद में गुजारे सारिया अगर शांत हो जाएगियाँ तेरे जीवन में ठंड बढ़ते जाए सानू बड़ा बड़ा भुलेखा होंगे भी असी ठंड के प्रबंध कर लिए शायद मैं फिर ठंडा हो जाऊँगा शायद कहने तेन भुलेखा है मन आ मैं तेन एक तस्वीर विखाव इन्ना तो अमीर नहीं ना हो सकता तू सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगन पूरे ग्रह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे मन इच्छे सुख मानदा कुछ नहीं विसूरे सो प्रभ चेतना आवई बिस्टा के कीरे बिन हर नाम ना शांत होए कित बित मन की एटा नाम नाली शांत होने ने एक अंदर की कल्पना नाम नाली शांत होनी है अंदर की भटकना नाम नाली शांत होनी है हिंदू परिवार है उदे घर नगर के सारे लोग आए हुए वो दोवे जने पति पत्नी अपने बच्चे को छोटे जन बिच बिठा के रो रहे ने तरले कर रहे ने योजा कहर ना करो पिंड वाले कह रहे ने भी तेरा बच्चा चुक के असी फकीर नूं दे देना क्योंकि जे तेरा बच्चा तू अपना बच्चा फकीर नूं ना दिता तो वह योजा शराप देगा साडे नगर के सारे बच्चे मर जाएंगे सारा नगर ही भस्म हो जाएगा तू सारे नगर को मारन की बजाए तू एक बच्चा दे दे अपना उस परिवार के घर औलाद नहीं सी उन्हें सुभावक किते फकीर के डेरे जाके सुख लिया मैनू औलाद मिल जाए मैं फकीर के डेरी चढ़ा देंगा औलाद तो होगी कुछ रब का सुभाव वरत्या पर और मोह ममता दे वस को देना नहीं चाहते अपना पुत्र फकीर एडा कड़पया एक भोरे में बैठ गया कह लग्या समुची दुनिया झूठी है मैं सारा नगर ही तबाह कर देना उदे शराप तो डरदे हुए लोग तड़फते ने रो रहे कुरला रहे ने उस परिवार दियां मिन्नतां कर रहे ने वह परिवार चुक चुक अपने बच्चे सीने ला रहे हैं असी नहीं दे सकते बच्चा इस हा कुरलाट को सुन के धन गुरु नानक साहब आ गए भाई मरदानी ने कहा रबाब छेड़ ठंड बरताई रबाब छेड़ी ठंड बरताई और मैं अर्ज करा क
कैसा सिख है भाई गुरदैना, किसी नूं दो बारी, किसी नूं दस बारी, किसी नूं महीना, किसी नूं साल गुरु नानक साहिब दे दर्शन होए होणगे। ਉਹ 47 ਸਾਲ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿੱਡਾ ਨੇਤਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਕਿੱਡਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਭਾਗਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਿਆ। ਸਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ गुरु नानक साहब शब्द गा रहे हैं, ये भाई मरदाना रबाब बजा रहे हैं। सारे का ख्याल चला गया, सारा पिंड सारा नगर कुरला रहा है। एक कमुना जिहड़ा गाउण लग पे, उहदे गाउंदियां नूं सुन के नगर वाले भी आ गए, ते जिहड़ा फकीर अंदर भोड़े च बैठा सी वह भी बाहर आ गया। ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਓ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਫਕੀਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਮਜਾ ਗੌਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੀਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਮੈਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ। ਜੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਿਖਾ, ਜੀਵਨ ਸਿਖਾ, ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਖਿਡੌਣੇ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਿਡੌਣੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਮ ਜਾ ਗੌਸ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸਿਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ, ਹਮ ਜਾ ਗੌਸ ਇਤਨਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲਿਫਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਠੰਡਕ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ। ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ 7 ਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਸੱਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੜ੍ਹੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿੱਥ ਹੈ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ, ਬਿਸਮਾਤ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਨਾ ਛੱਡ ਭਟਕਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜੁੜਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਇੰਨੀ ਠੰਡਕ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ, ਪਰਾਈ ਤਾਤ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੰਡਕ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੰਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਸੋਮਵਾਰ ਸੱਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੜ੍ਹੇ, ਸੱਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ
चंद्रमा होंदा है। उहदियां किरणां विच्चों अमृत झड़दा है। लोक सोचते ने सतगुरु आखते ने कहिंदे नाम विच्चों अमृत झड़दा है। चाखत वेख सगल विखर है, जे तू शब्द रूपी अमृत नाल जुड़ जाए, जे तू नाम रूपी अमृत नाल जुड़ जाए। चाखत का मतलब होंदा है चखना। एक पल में इत्थे रोक के तुहाडा ध्यान दिवाउणा चाहुंदा। एक हुंदे ने शब्द, दूजी हुंदी है दात, तीजी हुंदा है अनुभव। जिवें मैं शब्द कहां गुड़, गुड़ एक शब्द है, पर जदों किसी को लंघिया उन्हें गुड़ की रोड़ी लिया दिखी ये दात होगी। हुण ना स्वाद का गुड़ देने वाले को पता है, ना स्वाद गुड़ लेने वाले को पता है। जदों ने खाधा अनुभव उदों होया। सच करके जाने हो असीं भी गुरु दर तो शब्द बोलते हैं जिहदा नाम अरदास है। गुरु सानू दाता देता है, पर वो दाता असी कदे चखते नहीं ते सानू अनुभव भी नहीं हुंदा। जिन्होंने अनुभव माने हैं उन्होंने आख दिता माई चरण गुरु मीठे। गुरु का उपदेश, गुरु के चरण तो बहुत मिठे ने, बहुत मिठे ने गुरु के चरण तो। हुण असीं चखे नहीं तो सानू दबार भी नहीं आउंदा। साडे कोल केवल शब्द ने। प्यार वालिओ, मैं हथ जोड़ बेनती करा उन्हें साडी खातर। देखो किड्डा उच्चा पचा दिता उन्हें, यह कह दिता सिखा तू मेरे बराबर है। एडा उच्चा दर्जा कौन दे सकता? खालसा मेरे रूप है खास। यो ही कहा बाबे लहने के चरणों च खुद मत्था टेक के गुरु नानक ने कह दिता लहने अज तू एडा उच्चा हो गया, मेरा जी करता मैं तेनों मत्था टेक दी। एडा उच्चा पचा दें। मैं बेनती कर लगा सर जो एडा उच्चा पचा देंदा कोई दिन तो उसकी आग्या विच गुजार के वेख लीए, कोई दिन तो उसकी बाणी मुताबक गुजार के वेख लीए, कोई दिन तो उसके दसे हुए सिद्धांतों मुताबक गुजार के वेख लीए। अनुभव होगा, आनंद आएगा, शुक्र विच भिजांगे, अमृत हो जाएगा जीवन। हजूर जी आखते ने चाखत चख के अनुसार। वेग का मतलब जल्दी, सगल बेखर है, वक्त नहीं लगता। सज्जन को किन्ना क वक्त लगे सी शब्द सुने मत्था टेके आ, जिहड़ा कल पापी सी अज उह संत है, किन्ना क वक्त लगे। जिन मास ते देवते किए करत ना लगी वार, उन वार नहीं लगती, उन वक्त नहीं लगता। चाखत बेग सगल बिखर है, सारी बिख खत्म कर देता है। बाणी रोकिया रह द्वारा, गुरबाणी के शब्द द्वारा रोकिया हुआ मन वह नौ द्वारियां चो भटकना छड़ के एक द्वारे का होके बैठ जाता है, एक मालिक के चरणों में बैठ जाता है। शेख फरीद ने एक बड़ी गल आखी पाई, वह कहते साइया तू भुखा रख, तू प्यासा रख, तू गरीबी च रख, सुक्की दे मैं सुक्की खा के खुश हो जाऊंगा। पर एक काम करी, जिहड़ी देनी है ना वह अपने दर तो नहीं, मैंने बेगाने दर न ले जाई। फरीदा बार पराया बैसन साई मुझे ना दे, जे तू एवें रखसी जियो शरीरों ले, फिर भावें मेरी जिंदगी की कहानी खत्म कर दे, मैंने कोई तरह नहीं। बाणी रोकिया रह द्वार, तो मन मतवारो पीवन हार। कहते मन मस्ताना हो जाना रब के प्यार विच जदों आ नाम रूपी अमृत पीने का। चंद्रमा की सेवा करके तेनों कुछ नहीं मिलना। गुरु के दर नाल जुड़ जाइए। आओ प्यार वाले, फिर सतगुरु जी के चरणों में जुड़ के सोमवार
परमेश्वर की इबादत बार बार हर के गुण गावो गुर गम भेज सो हर का पावो बार बार रब दे गुण गा के उस नाम अमृत के धारने हो जाइए फिर साढ़े जीवन में ठंड बढ़ जाएगी। इतनिया बेनतियां कबूल भुला ना चुटारते हुए प्यार आखो जी वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਮੋਹਨ।